दोस्तों, आज की कहानी है बहू ये घर तुम्हारा नहीं मेरा है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ताशी की शादी को 15 दिन हुए थे। यहाँ पर ये कहना गलत न होगा कि ताशी की शादी बड़ी विषम परिस्थितियों में हुई थी, क्योंकि उसके पिता कैंसर से पीड़ित थे और बेटी की शादी देखने के बड़े इच्छुक थे। तभी जल्दी जल्दी में तय होकर शादी कर दी गई। ससुराल में अभी नया नया माहौल था तो ताशी भी थोड़ा संकोच महसूस करती थी। ताशी पूरी कोशिश कर रही थी सबसे तालमेल बिठाने में, घर के काम सीखने में। हर लड़की की तरह अपनी पहले और शादी के बाद की जिंदगी में सामंजस्य स्थापित करने में, पर कम उम्र और कम परिपक्व होने के कारण कहीं न कहीं सूक हो ही जाती थी। सभी लोग सुलझे हुए थे, बस ताशी को डर लगता था तो सिर्फ सासू माँ विनीता जी से, क्योंकि वो अक्सर छोटी छोटी बातों पर भी बड़ी प्रतिक्रिया दे देती थी और सीधी बात न कहकर तानों के रूप में बात करना ज्यादा पसंद करती थी। बाद में पति वरुण और ननद सोनल दोनों मिलकर बोलते, मम्मी की बात एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दिया करो। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन ताशी के भाई का फोन आया कि लाड़ो तो जल्दी आ जा, पापा नहीं रहे। भाई के ये शब्द सुनते ही मानो ताशी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो वही निर्जीव सी बैठ गई। उसके मन में यही चल रहा था कि काश ये कोई बुरा सपना हो और अभी जागने पर सब कुछ सही सलामत मिले। इस बुरे समय का सामना करने की हिम्मत नहीं थी उसमें, पर कहते हैं कि जब ऊपर वाला दुख देता है तो उसको सहन करने की शक्ति भी देता है। ताशी ने खुद को संभालने के साथ अपनी माँ को भी संभाला और अपने पिता के मृत्युपरांत संस्कारों को संपन्न कराने तक अपनी माँ के साथ ही रही। 15 दिनों बाद ताशी अपने ससुराल लौटी तो हर किसी ने उसकी पीड़ा बांटने का प्रयास किया सिवा उसकी सासू माँ ने। उनके मुंह से बहू के दुखी मन को सहलाने के लिए दो सने के शब्द तक न निकले। ताशी का किसी काम में मन न लगता, वो बस किसी तरह काम निपटाती और बैठकर अपनी माँ के बारे में सोच कर रोती रहती। 3-4 दिन तो विनीता जी चुप रही, पर अगली सुबह जब ताशी 9 बजे नहाकर आई तो उस पर बरस पड़ी। ऐसा है ताशी, ये तुम्हारा घर नहीं है, जो जब मन करे तब उठ कर आओ। यहाँ तुमको नियम कायदों के साथ
रहना पड़ेगा। आखिर कब तक तुम मातम मनाओगी? दुनिया किसी के जाने से रुकती नहीं है। अब जाओ और खाने की तैयारी करो। तासी तो मानो जड़ हो गई, उसको सांस से इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। उसने सोती हुई सोनल पर नजर डाली, जो अपनी माँ के घर पर अधिकार के साथ 9 बजे तक सोई हुई थी और फिर अपने बारे में ये सोचने पर मजबूर हो गई कि वास्तव में मेरा घर है कहाँ। पापा तो अभी तक यही रटते रहे कि अपनी लाड़ों को उसके घर पहुंचा दूं, तब सुकून से मर भी सकूंगा। वो क्रोध और दुख के इस मैल को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसके मन में बार बार यही प्रश्न उठ रहा था कि कोई औरत ही दूसरी औरत के प्रति इतनी संवेदनहीन कैसे हो सकती है? क्या दूसरे रिश्तों को खोने में और माता पिता के खाने में कोई फर्क नहीं होता है? तासी ने ये सारी बातें वरुण को बताई और रोते हुए बस इतना बोला कि अगर यही व्यवहार तुम्हारी बहन के साथ उसके ससुराल में किया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैं तो रोज सुबह जल्दी उठती थी, बस इधर जब से पापा नहीं रहे तब से जरूर देर सवेर हो जाती है, क्योंकि रात भर सो नहीं पाती हूँ अपनी मम्मी के बारे में सोच कर। इस कठिन समय में जब मेरा साथ मम्मी जी ने नहीं दिया तो अब आगे कोई भी उम्मीद करना बेकार है। वरुण ने अपनी आंखें झुका ली और ये बात सोनल से बताई। सोनल भी बहुत गुस्सा हुई। शाम को तासी ने वरुण से बोला कि मुझे माँ के पास जाना है, मैं तो अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने घर वापस आई थी, वरना माँ को इस हाल में छोड़कर आने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था। पर अब जब पता चल ही गया है कि ये मेरा घर नहीं है तो कुछ दिन और बेटी का ही फर्ज निभा लूं, कम से कम किसी के काम तो आऊंगी। वरुण तासी को छोड़कर आया और रात में सारी बातें अपने पिता से बताई। उसके पिता ने बोला, बेटा वरुण अभी कुछ दिन बहू को उसकी माँ के पास ही रहने दो और इस समय कुछ मत बोलो। जब 8-10 दिन बीत गए तो विनीता जी ने बड़बड़ाना शुरू किया। इतने अरमान थे मेरे, सब मिट्टी में मिला दिए इस लड़की ने। आते ही बस मायके से ही मतलब रखे हैं, अपने घर से कोई मतलब नहीं है। वरुण ने जैसे ही ये सुना तो तुरंत माँ के पास आया और बोला, मम्मी क्या अपने बच्चों के लिए माता पिता से ज्यादा कोई प्यारा होता है? और अगर उन दोनों में से किसी एक का साथ छूट जाए तो क्या इतना सहज होता है इस दुख से उबरना?
अगर तासी ने कोई बदतमीजी की होती या फिर आपका अपमान किया होता तब तो आपकी नाराजगी जायज थी, पर कुछ दिन उसके देर से उठने से आप नाराज हो गई। मैंने खुद देखा है उसको रात रात भर रोते हुए इस कठिन समय। मैं अगर आप एक बार उसके सिर पर हाथ फेर कर कह देती कि बेटा परेशान मत हो, मैं हूँ तेरे साथ, तो माँ आपके ये शब्द जादू का काम करते उस पर, क्योंकि सारे परिवार का प्यार एक तरफ और बहू के लिए सास का प्यार एक तरफ होता है। माँ बेटे की बात सीत सल ही रही थी कि तभी वरुण के पापा आ गए और विनीता जी से बोले, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहूँगा कि तासी की जगह सोनल को रख कर देख लो और उसकी माँ की जगह खुद को रख कर देखो कि अगर तुमने मुझे खोया होता और उस समय तुम्हारी बेटी तुम्हारे दुख में शामिल न होने दी जाती और उसकी अपनी गृहस्थी में दरार पड़ने लगती तो तुम पर क्या बीतती। पति के मुंह से ऐसी बात सुनकर विनीता जी रो पड़ी और बोली, ऐसा न बोलिए वरुण के पापा, बोले दूसरे के दुख को महसूस करना सीखो विनीता। इस दुनिया में कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। और फिर अब बहू हमारे घर का हिस्सा है, अगर आज उसके दुख में शामिल नहीं होगी तो कल को हमारी तकलीफों में वो मुंह फेर लेगी। बेटे से ज्यादा बहू के साथ सामंजस्य होना जरूरी है, क्योंकि बेटे का रिश्ता खून का है पर बहू सन्ने से जुड़ती है, और एक बार जुड़ जाती है तो बेटे और बेटी से ज्यादा जिम्मेदारी निभाती है, वरना जिंदगी भर उठा पटक चलती रहती है। विनीता जी ने फोन उठाया और मिलाकर बोली, तासी बेटा अपने घर कब आएगी। तासी अपनी भावनाओं पर काबू न पा सकी और फोन पर ही रोने लगी तो विनीता जी बोली, अच्छा 2-4 दिन मम्मी के साथ और रह लो, फिर अपने घर आ जाओ बेटा। तासी धीरे से बोली, जी मम्मी जी जल्दी आती हूँ। पास खड़े वरुण और सोनल मम्मी का ये रूप देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, और उनके पापा अपने बिखरते परिवार को समेटकर भाव विभोर थे।